चक्का जाम खत्म हो गया, लेकिन सियासत का पहिया तेजी से दौड़ रहा है। 3 घंटे के चक्का जाम में पंजाब ठहर गया। अमृतसर, अंबाला, मोहाली, लुधियाना में किसान संगठन के कार्यकर्ता सड़कों पर नजर आए, लेकिन हरियाणा में चक्का जाम का असर थोड़ा कम रहा। पंजाब हरियाणा में शंभू बॉर्डर पर पुलिस की चौकसी और ड्रोन से पहरा रहा, बाकी जगहों पर तो डकैत के ऐलान का कोई असर भी नहीं दिखा। बावजूद इसके भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश डकैत ताल ठोक रहे हैं, कृषि कानून को लेकर सरकार को चेतावनी तक दे रहे हैं। सम्मानित करेंगे। ये व्यापारी की जो कहावत है वो सच होती जा रही है, व्यापारी चमड़ी देने का दमड़ी नहीं देने का, इनको देश से लगाव नहीं है। ये जरा साहब, इनको देश से कोई लगाव नहीं है, इनको व्यापारियों से लगाव है, इनको किसान से लगाव नहीं है, उसके अनाज से लगाव है, इनको मिट्टी से लगाव नहीं है, इनको अन्न से लगाव है। ये कील बोएंगे हम अनाज बोएंगे, ये कील बोएंगे हम अनाज बोएंगे। कृषि कानून की वापसी को लेकर किसान संगठनों ने देशव्यापी चक्का जाम बुलाया था, हालांकि यूपी और उत्तराखंड को इससे अलग रखा गया, दिल्ली एनसीआर को भी चक्का जाम से अलग रखा गया। लेकिन कहते हैं ना, दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है, सो दिल्ली पुलिस ने पूरी तैयारी कर रखी थी। 26 जनवरी की हिंसा से सबक लेते हुए दिल्ली के अंदर और सीमाओं पर करीब 50,000 जवानों की तैनाती थी, जिसका असर ये हुआ कि किसी ने दिल्ली की सीमा में घुसने की हिमाकत भी नहीं की। ड्रोन से सिंघू बॉर्डर की निगरानी की गई, वहीं गाजीपुर बॉर्डर पर तंबू गाड़ कर बैठे किसान नेता राकेश डकैत भी मौके की नजाकत को भांपते हुए केंद्र सरकार पर अपने अंदाज में निशाना साध रहे हैं। ये कांटे बोएंगे हम बीज बोएंगे, हम फूल बोएंगे, खेती करेंगे, ये कांटे बोएंगे हम फूल बोएंगे। कृषि कानून के खिलाफ चक्का जाम का समर्थन कांग्रेस ने भी किया, यही वजह है कि जब बहती गंगा में कांग्रेस ने हाथ धोया तो जवाबी हमला भी हुआ। क्योंकि ये कानून दिल्ली में नहीं बना, ये कानून बना अहमदाबाद में, बड़े बड़े कॉरपोरेट, बड़े बड़े अरब खरबपतियों के द्वारा। क्योंकि ये खरबपति जो है भारत की मंडियों में, हर मंडी में ये लाइसेंस लेने की स्थिति में नहीं थे, इसलिए इन्होंने कानून बनाया ताकि इस देश के 15 से 18 लाख करोड़ का जो धंधा होता है इस व्यापार में, उसमें ये लोग शामिल हो सके, और इसीलिए वन नेशन वन लाइसेंस। दुर्भाग्यपूर्ण बात ये है कि राहुल गांधी ना पूरा पढ़ते हैं, ना पूरा समझते हैं, ना पूरा सुनते हैं। ये जो सेस लगाई गई थी, इसके साथ ये भी कहा गया था कि इसका उपभोक्ताओं पर कोई असर नहीं पड़ेगा, ये बात कही गई थी, फिर ये आज कहां से राहुल गांधी जी निकाल कर ले आए। वैसे तो कृषि कानून का विरोध एमएसपी को कानूनी अमली जामा पहनाने से शुरू हुआ था, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीता इसमें किसान संगठनों की कई मांगे जुड़ती गईं, फिर किसान तीनों कृषि कानून को वापस लेने पर अड़ गए। सरकार ने किसान संगठनों के सामने प्रस्ताव भी दिया, 11 दौर की बातचीत भी हुई, लेकिन कोई भी टस से मस नहीं हुआ। किसान संगठन अपनी राग अलाप रहे हैं और सरकार अपनी। ऐसे हालात में राजनीतिक रोटियां सेकने वालों की तो मौज है, लेकिन नुकसान देश का हो रहा है। शंभू बॉर्डर से सत्येंद्र चौहान, गुरुग्राम से राम किंकर सिंह, दिल्ली से मानशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।